नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हमारे वीडियोज में हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रकृति के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ, उसी प्रकार आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ लेकर आते हैं, साग सब्जी के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। और आप लोग हमारे वीडियोज को अच्छी तरह देखते भी हैं, तो आज हम आपको ऐसे एक साग सब्जी से परिचित कराएंगे जो कि 12 महीने हमारे यहाँ हो सकता है। जैसे कि हमें गार्डन का शौक़ है और हमारे गार्डन में अगर इसको हम लगाते हैं तो 12 महीने सब्जी के साथ साथ एक मिनरल प्रोटीन विटामिन से भरपूर चीज़ हमें जो है 12 महीने प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, ऐसी एक लता वर्गीय एक साग सब्जी है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यह है पोइन, या जिसे पोई या पोई साग भी कहा जाता है। इसे मालाबारी स्पिनिच से नाम से भी पहचाना जाता है, या फिर इंडियन स्पिनिच, या फिर इसे जंगली पालक भी आप लोग कह सकते हैं। जंगली पालक के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। दरअसल यह लता वर्गीय होती है और इसमें दो प्रजातियां होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक हरी प्रजाति की पोई है जिसे मराठी में मायाड़ू भी कहा जाता है। अब वो मायाड़ू क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह, इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके जाड़े मोटे ऐसे पत्ते होते हैं, हरे, एकदम हरे रंग के। और इसके अभी ठंडी का जब मौसम आएगा तो इसमें फूल और फल भी आएंगे। काले रंग के फल होते हैं जो कि कच्चे रहने के समय हरे होते हैं और पकने के बाद काले हो जाते हैं, और उसमें एक लाल सा द्रव निकलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह सब्जी 12 महीने होने वाली एक लता वर्गीय साग, या एक इसे हम आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी कह सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक भी साग या पौधा ये है। तो जैसे कि यह बहुत ही लंबा जाता है, अभी तो ये हमारे पास छोटा है, लेकिन इसे आप अगर लगाते हैं तो बहुत लंबाई लिए होता है और 12 महीने यह सदाबहार होता है। धूप के दिनों में भी अगर इसे पानी का व्यवस्थापन बराबर रहा तो ये धूप काले में भी होता है। तो दोस्तों, इसे आप गार्डन का अगर शौक रखते हैं या किचन गार्डनिंग करने वाले जो महिलाएँ हैं वह इसका अगर संगोपन करते, देखने में बहुत सुंदर होता है और सदाबहार होने से हरा हरा होता है, बीज आने के बाद और सुंदर लगता है। तो आप इसे अवश्य अपने घर में लगाइए। और अब हम उड़ेंगे इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहले तो जिस प्रकार हम पालक का जो यूज करते हैं, स्पिनिच का जो यूज करते हैं, उस हर चीज़ में इसका हम पालक के जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि बड़े हो, पकोड़े हो, दाल पालक जैसे बनाते हैं, आलू पालक बनाते हैं, या पालक की जो भी चीज़ें हम बनाते हैं पालक से, तो वो सब में इसका यूज कर सकते हैं आप। तो ये आपके किचन के लिए एक सदाबहार सदा हरित एक साग सब्जी है जो कि पूरी तरह प्राकृतिक, इसको आप उगा सकते हैं। कोई केमिकल का छिड़काव या कोई केमिकल खाद इसे डालने की ज़रूरत नहीं होती। यह पूरी तरह प्राकृतिक रूप से आप उगा कर एक प्राकृतिक साग सब्जी आप खा सकते हैं। अब इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणधर्म के बारे में अगर पहचाने तो जैसे कि इसमें बीटा कैरोटीन होता है और यह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। उसी प्रकार इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, फाइबर होता है, फाइबर भी भरपूर पाया जाता है, आयरन की भी मात्रा होती है। अब आयरन की जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन निकाल दे कि इसका जो प्रयोग है या इसे खाने वाले लोग हैं, जो कि पालक जो होता है, पालक में भी आयरन होता है, तो पालक को बहुत सारे लोग जो है स्टोन, किडनी स्टोन या पथरी हम जिसे कहते हैं, उस रोग में पालक को डॉक्टर लोग मनाही कर देते हैं खाने के लिए। लेकिन हम बता दें कि यह जो जंगली पालक या फिर इंडियन मालाबारी स्पिनिच जो है, या फिर पोहे का जो भाजी है, साग है, इसको अगर आप खाते हैं तो यह आपके पथरी को तोड़कर आपके शरीर के बाहर निकालने का भी काम करता है, क्योंकि यह पथरी के ऊपर भी उपयुक्त है। पथरी की यह दवा बन सकती है, इससे दवा आप इसका अगर रस या इसके पत्ते या इसका साग अगर खाते हैं तो आपका पथरी भी टूटकर निकल जाता है। उसी प्रकार जैसे कि यह जलनशील, जहां आपका कहीं जल जाना होता है, जल जाता है, तो उसके ऊपर इसके पत्तों का रस आप अगर लगाते हैं तो वह भी आपको आराम देता है। समय पर जलने वाली कोई ट्यूब या औषधि हमारे पास नहीं होती, ऐसे समय में कुछ जल गया वो हाथ पैर, तो आप इसका रस भी उस पर लगा दें तो वो तुरंत आपको आराम देता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, इससे सभी प्रकार के व्यंजन जो भी पालक से हम बनाते हैं, पराठे हो गया, जो भी हो गया, आप जो बनाते हैं वो सभी प्रकार के व्यंजन इसको आप बना सकते हैं। सादा साग भी बना सकते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको खा भी सकते हैं। और दूसरा बात जो हमने कहा था, मराठी में इसका जो मायाड़ू नाम है, दरअसल यह जो साग है, यह जो सब्जी है, यह जो कुपोषण होता है, कुपोषित बच्चे होते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद जो स्त्रियों में कमजोरी आ जाती है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, उस समय में अगर यह साग हम उनको देते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ साथ जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके लिए भी बहुत
अच्छा होता है, और जो कुपोषित या फिर हम जिसे कहेंगे जिनमें ब्लड बनने का है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, ब्लड बनना बंद हो जाता है, ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। इसका अगर साहब हफ्ते में 2-3 बार वो खाते हैं तो उनके शरीर में अच्छे से ब्लड बनना चालू हो जाता है और ब्लड की जो कमी उनमें होती है वो बढ़ जाती है, आयरन की कमी खत्म हो जाती है। इस प्रकार एक बहुपयोगी पौधा या जिसे कहेंगे हम लता, और इसमें जो एक दूसरा लाल प्रजाति होता है वो भी आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, और दोनों का ही प्रयोग साग सब्जी या दवा में कर सकते हैं। दवा में अक्सर लाल का अधिकतर प्रयोग करता है, पर इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, और कैसी लगी हमारी वीडियो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारी ये वीडियो की जानकारी बहुत से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अक्सर खासकर गृहिणियाँ जो कि वीडियो हमारी देखकर इस प्रकार की अगर साग सब्जी की लताएं अगर लगाते हैं बगीचे में तो उनको 12 महीने साग सब्जी का एक संसाधन भी हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे ऐसे आने वाले वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल AAS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।